देश में गर्मी का मौसम है और अधिकतर लोग गर्मी से त्राही त्राही करने भी लगे हैं, लेकिन अचानक से ही गर्मी का पारा और चढ़ गया। असल में गर्मी नहीं है, गर्मा गर्मी है, और ऐसा हुआ है एक ट्वीट के कारण, जिससे पूरे संत समाज और राजनीति का पारा हाई है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं अक्षय प्रताप सिंह, स्वागत है आपका हिंदी और हिंदुस्तान में। दोस्तों, कोरोना संकट से जूझता हुआ हमारा देश अब आर्थिक संकट की खाई में भी गिरता जा रहा है। सरकार इससे निपटने के लिए अनेकों प्रयास कर रही है। सरकार द्वारा 20 लाख करोड़ की सौगात भी इसी तर्ज पर ही दी गई है, जिससे भारत की इकोनॉमी सुधारी जा सके। ऐसे में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और यूपीए सरकार में मंत्री रह चुके कांग्रेस पार्टी के नेता पृथ्वीराज चौहान ने भी भारत सरकार को नसीहत दे डाली और अपने मन के उद्गारों को ट्वीट कर दिया, और अब वे अपने ट्वीट के कारण सवालों के कटघरे में खड़े हैं। 15 मई 2020 को पृथ्वीराज चौहान ने ट्वीट करके क्या कुछ कहा, मैं फटाक से आपको वो बता देता हूं। उन्होंने कहा कि देश में मंदिरों के पास 1 ट्रिलियन का सोना पड़ा है। सरकार को कोरोना संकट से निपटने के लिए इन ट्रस्टों से ये सोना कम ब्याज दर पर लेना चाहिए और आपातकालीन स्थिति में सोने को कम ब्याज दर पर सोने के बॉन्ड के माध्यम से उधार लिया जा सकता है, ऐसा उन्होंने बोला। जिसके बाद धर्मगुरुओं और अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने पृथ्वीराज चौहान पर सवालों की ताबड़तोड़ बौछार करनी शुरू कर दी। पृथ्वीराज ने जब अपने ट्वीट का फालूदा बनते देखा और महसूस किया कि अब रायता फैल चुका है, तो अपने सवालों का जवाब देने उन्हें मीडिया के सामने स्वयं आना पड़ा। मीडिया के सामने आते ही उन्होंने सबसे पहले तो एक हवाई फायर करते हुए सारा दोष मीडिया पर थोप दिया और भक्त मीडिया जैसे शब्द से मीडिया को संबोधित किया। फिर उन्होंने कहा कि उनका आशय किसी धर्म विशेष से नहीं था, बल्कि उन्होंने तो सारे धार्मिक ट्रस्टों से सोना लेकर जनता के हित में खर्च करने की बात कही थी। उनका कहना है कि मीडिया के द्वारा उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, अब वे कानूनी दांवपेच भी खेलेंगे। चौहान साहब ने तो सिर्फ एक ट्वीट कर दिया था, लेकिन सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वाले हर एक व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उनके ट्वीट या किसी भी बयान की वजह से ना तो किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे और ना ही देश में किसी भी प्रकार की भ्रांति का प्रसार हो। इस बयान के बाद कुछ नए सवाल सामने आए, जैसे कि क्या सोना सिर्फ एक ही धर्म के ट्रस्टों से लिया जाना चाहिए? उन्होंने मंदिरों से ही सोना लेने की बात क्यों कही, चर्च या मस्जिदों से क्यों नहीं? भारत का संविधान समानता की बात करता है, ऐसे में क्या समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा? मंदिरों में पड़ी अथाह संपत्ति वास्तव में जन कल्याण के लिए ही है, परंतु यह संपत्ति पिछले 10, 20 या 100 सालों में नहीं तैयार हुई है, यह हमारी हजारों साल पुरानी विरासत है। सरकार मंदिरों पर अपना एक भी पैसा खर्च नहीं करती है, ऐसे में सरकार मंदिरों की संपत्ति जब्त भी नहीं कर सकती। रही बात धार्मिक ट्रस्टों से सोना लेने की, तो जब लोगों को जीविका चलाने में दिक्कत आ रही है और व्यापार ठप हो जाने की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था को भी नुकसान हुआ है, ऐसे में सरकार द्वारा धार्मिक संस्थानों से जन कल्याण के वास्ते धन लिया जा सकता है, लेकिन धार्मिक संस्थान का मतलब सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि मस्जिद, चर्च आदि भी उसमें शामिल हों। और इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी धार्मिक संस्था से कोई भी सरकार मनमाने ढंग से संपत्ति ना ले, जिससे उस संस्था के संचालन या उसकी किसी भी गतिविधि पर कोई आंच ना आए, क्योंकि भविष्य में इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए और इंतजार करिए अगली वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और आपके कमेंट का हमें इंतजार है। धन्यवाद। वंदे मातरम।